मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि आप लोगों के लिए बीएससी फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम, जो कि बॉटनी का एग्ज़ाम तो हो गया था लेकिन जूलॉजी का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जूलॉजी का क्लास लेने जा रहा हूँ और डेली आप लोगों के लिए 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो का पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ABCD सर, और ये यूट्यूब चैनल अभी मैंने हाल ही में स्टार्ट किया है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जो भी दोस्तों आज हो गया 18 जुलाई 2020, और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी काफ़ी बढ़ चुकी है और इसकी उम्मीद जल्द ख़त्म होने की इसकी उम्मीद दोस्तों कम है। तो आप लोग घर बैठे एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करिए, घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर में रह के ही पढ़ाई करना अपना स्टार्ट रखें, जारी रखें, और इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि आप लोग जो पिछली कक्षाओं में प्रीवियस क्लास ईयर में पढ़े हैं उसमें पढ़ाया गया जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे उन सब चीज़ों को तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा जिससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ाई की है यार, कुछ तो पढ़ाई की है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल ABCD सर पे मैं आप सभी लोगों भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती होती है, कोई भूल होती है, कहीं मैंने कुछ अलग चीज़ें बता दी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा आप लोग मुझे ये बताने की ज़रूर कृपा करें कि मेरी गलती कहाँ हुई है, और मुझे तो फिर मैं उस गलती को मैं एहसास करके उस गलती अगर मेरे से कहीं गलती हुई है तो मैं उस गलती के लिए आप लोगों से ज़रूर माफ़ी मांगूंगा। और मैं पहले ही आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि अगर मेरे वीडियो में कहीं से कोई गलतियां हो जाती है तो आप सभी भाई बहनों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे बारे में जानते हैं, मेरा नाम है रोहित और मैं एक BSc का स्टूडेंट हूँ और BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जूलॉजी का क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जूलॉजी BSc फाइनल ईयर वालों के लिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पेपर का ये पहला वीडियो होगा, इसमें आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है। ये इस चैप्टर का नाम है पैरासिटोलॉजी। आप सभी जानते हैं कि पैरासिटोलॉजी होता क्या है। एक्चुअल में पैरासिटोलॉजी जो होता है, इसमें इसको कहते हैं परजीवी विज्ञान, मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा। इसे क्या कहेंगे, इसका डेफिनेशन जो है वो है ये, आप लोग दोस्तों हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग कापी कलम लेके आप जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। तो पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें परजीवियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पैरासिटोलॉजी। परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे ही कहते हैं परजीवी, यानी कि पैरासाइट। तो पैरासाइट से ही पैरासिटोलॉजी बना है। तो पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत BSc फाइनल ईयर में पैरासिटोलॉजी में हम लोगों को मोस्टली 3 चीजें पढ़नी है। पहला ये पढ़ना है ट्रिपैनोसोमा, दूसरा पढ़ना है जियार्डिया,
तीसरा पढ़ना है वाउचेरिया। तो इन तीनों को हम इस चैप्टर में इन तीनों को अलग अलग वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोगों को सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, के बाद फिर पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन के बाद लाइफ साइकिल इन लोगों का पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक मतलब हम लोग क्या करेंगे क्रम वाइज इसका अध्ययन हम लोग क्या करेंगे क्रम वाइज जिससे हम लोगों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो पहला टॉपिक है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, पैरासिटोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और पैरासिटोलॉजी में पहला जो इम्पोर्टेंट है ट्रिपैनोसोमा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चनों में ये ट्रिपैनोसोमा से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बीएससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का, एक तो होता है परपोषी और एक होता है स्वपोषी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक होता है क्या, परपोषी, और दूसरा क्या होता है, स्वपोषी। परपोषी वे होते हैं जो अपन पर पहले स्वपोषी समझ लेते हैं स्वपोषी वो वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन कौन बनाता है, वो बनाते हैं पौधे। अपना भोजन पौधे बनाते हैं स्वयं, इसलिए ये कौन से जीव हैं, इनमें न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाएगा, स्वपोषी। क्यों बनाते हैं भाई, इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा कि अपना भोजन क्यों बनाते हैं, क्यों बना लेते हैं, हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि पौधों में क्या पाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जब पौधों में पाया जाता है तो ये क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं वे मिट्टी से जल को सोखते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, और इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखो मिट्टी से क्या लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं जल, और इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ये बनाते हैं क्या, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाते हैं। और ये ग्लूकोज ही क्या होता है, पौधों का भोजन। और इसके द्वारा ये जब भोजन बनाते हैं तो निकलता क्या है, ऑक्सीजन निकलता है प्लस H2O निकलता है बाहर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो और दूसरा होता है, ये तो पहला था स्वपोषी, और दूसरा क्या होता है, परपोषी। तो आप सभी जानते हैं कि परपोषी क्या होता है, परपोषी वे होता है जो अपना भोजन वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे कहते हैं परपोषी। परपोषी कितने टाइप के होते हैं, वे होते हैं तीन टाइप के। पहला तो होता है परजीवी, दूसरा होता है मृत जीवी, और तीसरा होता है सहजीवी। तो परजीवी जो होता है इसे ही कहते हैं पैरासाइट, और जिसमें परजीवियों का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पैरासिटोलॉजी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मृत जीवी जो होते हैं वे अपना भोजन सड़े गड़े पदार्थों से, जो मतलब
वेस्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनसे अपना भोजन जो जीव प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं मृत जीवी। और सहजीवी वे होते हैं जो किसी जीवित जीव के साथ, किसी जीवित जीव के साथ एक रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे हो गया हमारा लाइकेन, क्या हो गया, जैसे हो गया हमारा लाइकेन, जो लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि लाइकेन में होता है हमारा शैवाल मतलब एलगी, और प्लस क्या होता है कवक, कवक मतलब फंजाई। तो शैवाल जो होता है, शैवाल होते हैं मोस्टली हरे कलर के, हरे रंग के, और कवक होता है सफेद। तो हम सभी जानते हैं कि शैवाल के जब हरा है तो शैवाल के अंदर क्या पाया जाएगा, पाया जाएगा क्या, क्लोरोफिल। जब शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये अपना भोजन बना सकता है, तो अपना भोजन क्या कर सकता है, बना सकता है। और ये भोजन अपना बना सकता है तो इसे जो कवक होता है, वो कवक क्या करता है, जमीन से पानी को सोखता है, और पानी को सोखने के बाद उस पानी को देता है किसको, शैवाल को, उस पानी को देता है शैवाल को। और शैवाल क्या करता है, उस पानी द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है, और भोजन बना के किसको देता है, वो देता है हमारे कवक को। तो जिस जीव में या जिस पौधे में इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम सहजीवी।